उससे नाराज थी ना बेटा। हाँ आप पहले बताओ तो सही, आप उससे नाराज थे ना, आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना। आप जो कह रहा वो बताओ ना, आप मेरे से नाराज थे ना। बट आप उससे तो नाराज थे बेटा, आप उससे बात नहीं कर रहे थे ना। बाद में खींच लूंगी किशु, फोटो खींचो। पापा भी फोटो खींचो। आप पहले ये तो बताओ आप उसे नाराज क्यों थे। आप उसे बात नहीं कर रही थी ना सुबह से, आप उसे सुबह से बात नहीं कर रही थी ना, गुस्से में थी ना। क्यों गुस्से में थी आप उससे? नहीं आप तो गुस्से में थी सुबह, आपने पापा को मारा भी सुबह उठ के, गुड मॉर्निंग नहीं बोला। घूमने चल रहा है, फोटो खिंचा के चले। अच्छा ठीक है, आई लव यू। वेलकम बैक टू माई चैनल, दैट इज साक्षी लव। सो हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 12 और आज का दिन है 9th of October। सॉरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कॉफ हो गया है। और यस, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और काफ़ी सारे वीडियोज़ इससे पहले भी बनाए थे लेकिन पता नहीं किस रीज़न से वो एक्सपो ही नहीं पा रहा है। एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद वो चेंज ही नहीं हो पा रहा है। तो आई थॉट उसको मैं हटा के एक नया वीडियो बनाती हूँ। तो यस, मैं आज से फिर से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा ना घर बदल गया है। मैं इसको अगर अलग से सेपरेट वीडियो से बना दिखाऊँगी आपको कि मैंने अपना घर चेंज कर लिया है, रीज़न भी बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद बात करके मैंने चाय बना ली। इसमें क्यों पिया है? क्योंकि मेरे को सामने ये दिखा, मैंने एसी में ले लिया। ये एक्चुअली हमारा जो थर्मस है उसका क्या मुझे नहीं पता, ऐसा सब कर देगी रे, तो मैं कर लेती हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही ये बास्केट बनाया था, DIY बास्केट। ये मेरी पुरानी ड्रेस थी और ये ड्रेस अब मैं यूज़ नहीं करती, तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया। क्योंकि ये ड्रेस ना मुझे देने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इसका स्टफ बहुत अच्छा था, मतलब सी ना अच्छा है। तो मैंने इसको बास्केट में यूज़ कर लिया और ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है मुझे, ये ना ये कलर बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स पता है मैंने कुछ दिनों पहले ना एक स्नैपचैट करके एक ऐप है, ऑब्वियसली सब जानते हैं, मैंने डाउनलोड किया लेकिन पता है मुझे चलाना नहीं आ रहा है। मुझे कुछ वो बहुत दिनों बाद जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये घर का सेटअप आप देख सकते हो, एकदम पुराने घर के सेटअप जैसा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत अलग घर है दूसरे, मतलब उस घर से अलग है। और सेम पोर्शन है, सेम बिल्डिंग है, पर घर का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग हो गया है। एक्चुअली नीचे वाला जो घर था ना उसमें सेपरेट बालकनी नहीं थी, वो थी जॉइंट बालकनी थी। हमारे जो बगल वाले जो नेबर थे उनका भी सेम बालकनी था और सेफ्टी पर्पज़ तो नहीं कहूँगी, लोग अच्छे थे ऐसा नहीं है कि लोग तो अच्छे ही थे, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ा सा ना अनकम्फर्टेबल लगता था। ऐसा लगता था कि हम गेट भी खोल के रखे हैं तो उनके एक डॉग भी था, तो ऐसा लगता था मान लो आ जाए तो इस वजह से। और जैसे ही हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए उन लोग भी चले गए, मतलब मुझे पहले पता होता तो शायद थोड़े दिन और रह लेते, लेकिन अच्छा ही हुआ। जो हमारा पुराना घर था ना उसका जो एंट्रेंस था ना वो साउथ वेस्ट का था, और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वास्तु की नॉलेज होगी ना, साउथ वेस्ट ना बिल्कुल भी ठीक एंट्रेंस नहीं होता है। मनी का तो एक अलग चीज़ हो जाता है, अलग इशू हो जाता है, लेकिन ना वो हेल्थ इशूज़ बहुत क्रिएट करता है घर में। अगर कोई मेल होता है ना, और मेल ऑब्वियसली जो घर का जो मालिक ऐसा बोलते हैं ना, मेल होता है उसके हेल्थ में इश्यूज़ करता है या फिर उसके लक में चेंजेस लेकर आता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। वैसे मैं ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि हम लोगों का वो वाले घर में ना हम लोगों की काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज हैं, तो पता नहीं
बट एक मेंटालिटी भी हो जाती है ना, कभी एक भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अरे यार हो सकता है इसी वजह से हुआ हो, और जब दिमाग में आ जाता है ना तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए, चेंज कर लेनी चाहिए। एक सेकेंड मौसम थोड़ा बदल रहा है और साथ ही साथ मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा खांसी, क्योंकि मौसम बदलने की वजह से ना यहाँ, और मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे ना धूल भी बहुत ज़्यादा है। मुझे डस्ट एलर्जी है और अभी तक तो मैंने काम नहीं किया, अगर मैं थोड़ा सा भी धूल का काम कर लेती हूँ ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे लंग्स इन्फेक्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, हल्का सा हुआ था लेकिन ठीक नहीं था। चलिए तो मैं अपना चाय पूरा फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बनाएंगे आज लंच। नाश्ता हमने कर लिया है, ये तो मेरा चाय दूसरे टाइम का है क्योंकि 12 बज गए, ऑब्वियसली मैंने सुबह चाय नाश्ता सब हो गया है, सब कुछ हो गया है, बहुत सारी सामान मैंने अलग से और चीज़ें ली हैं। दिवाली आने वाली, उससे पहले करवा चौथ आने वाला है, पर करवा चौथ में मैं बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत सब चीज़ें नहीं लेती हूँ। दिवाली के लिए मुझे काफ़ी सब चीज़ें लेनी है क्योंकि हम लोग फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस अभी इधर ही दिवाली हमारी सेलिब्रेट होने वाली है, बिकॉज हम इस बार नहीं जा पाएंगे, अभी शादी भी है घर में शादी पड़ रही है, तो अभी हम लोग शादी में हमें जाना ही है इसलिए, और फिर देव की भी तबीयत इस बीच थोड़ी ख़राब हो गई थी तो इस वजह से वो भी नहीं जा पाए, मतलब उन्होंने ऑफ लिया था इस वजह से वो भी नहीं जा। चलिए तो थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं। What are you doing? इसके बाल तो ठीक कर लेते हैं। क्या आ गए हैं? बबल आ गए। हाँ अच्छा, देखो देखो वहाँ पे ही है। क्या आ गया है? बबल वहाँ हो गया, सबसे काफी देर से है। अच्छा, सबसे छोटा नहीं है वो, काफी देर से। और बुफला लो, ये जो सेकंड वाले में लो, जल्दी लो। एक ऊपर ही है आपके पीछे मम्मा। हाँ बेटू, देखो ऊपर क्या है। ऊपर देखो बबल है। हाँ। ओह वाह, और बबल बना। अरे वाह, कहाँ चला गया? फट गया बबल। फट गया बबल बनाना चाहता है। बबल बनाना।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा आलू हो गया, हो चुका है। यस, से ज़्यादा मैं तेल नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली राजी। और वैसे भी हम सबको यहाँ पे खांसी हो रखी है, इसलिए मैं बिल्कुल भी तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। रिफाइंड ऑयल नहीं है ये, सरसों का तेल है ये, और मैं मोस्टली वही यूज़ करती हूँ। Hey friends, तो अभी मैं खाना बना खा चुकी हूँ, जस्ट बैठी थी। एक्चुअली मैं खाना खा रही थी और मेरा चाय, आलू का पराठा आज बना था ना, तो इस वजह से मैंने चाय बना दी साथ में, और खाते खाते मेरा जो चाय था वो ठंडा हो गया था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता ठंडा ठंडा चाय पीने के लिए, तो इसलिए मैंने अभी जस्ट गर्म किया। तो अब देख सकते हो ना मेरी आँख में एक में आईलाइनर लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं रील बना रही थी। रील बनाने के बाद क्या हुआ, जब मैं पराठा बना रही थी ना, तो मेरे आँख में कुछ चला गया था, तो इस वजह से पूरा आप देख सकते हो मेरी आँख ना पूरी काली हो रही है। तो मेरे से अब एक लगे रहने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और मैंने पराठा भी खा लिया है। ऑयली चीज़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि खांसी में प्रॉब्लम हो जाती है, पर देव को आज मन था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आज बनाते हैं। और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा था ना, यार ठंडा ठंडा सा एकदम अच्छा सा, बारिश भी हुई थी। अभी तो नहीं हो रही है, शाम को हुई थी और सुबह से ही हो रही थी एक्चुअली, और कल भी हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम नहीं अच्छा लगता है, और अब धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है। आप देख सकते हो ना मेरा डार्क बंद, देख नहीं सकते हो, आप सुन सकते हो कि मेरा डार्क बंद है, मेरे को ना आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो यस, आज मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया, और आज था हमारे घर में क्या लगेंगे वो, हाँ मेरे जेठ जेठानी के बेटे की शादी नहीं है आज, आज रोका था, सिर्फ रोका नहीं, क्या बोलते हैं उसे, गोद भराई, तो गोद भराई था, तो हम लोग तो वहाँ पे गए नहीं हैं अभी, तो हम लोग उससे देख रहे थे, क्या बोलते हैं उसे, वीडियो कॉल से देख रहे थे। और मैं वहाँ, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि गाने वाने चल रहे थे, मतलब ये लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे बैठ के पराठे बना रहे हैं। मुझे एक्चुअली शादी ना सिर्फ इसलिए मज़ा, इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम लोग ना बहुत इन्जॉय कर सकते हैं उसमें यार, सीरियसली बहुत इन्जॉय, किसी की भी शादी हो ना आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो। और मुझे ना इन्जॉय करना शायद मेरा फेवरेट चीज़ है, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या करना चाहती हूँ, मैं इन्जॉय करना चाहती हूँ, मुझे इन्जॉय करना सबसे अच्छा लगता है। तो मैं वही सोच रही थी कि अरे यार वहाँ पे होते इतना मज़ा आ रहा होता उस टाइम, हम लोग तैयार हुए होते, अच्छा अच्छा तैयार होना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्जॉय करने के बाद में, वरना नहीं तैयार हो जाऊँगी तब भी मैं बहुत अच्छे से इन्जॉय कर सकती हूँ। तो क्या बताऊँ, और क्या बताऊँ, 9:30 होने वाला है, मेरा बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसके जल्दी, उससे पहले मैं कुछ बोलूँ। पूरे दिन मेरा रूटीन ना ऐसा ही कुछ रहता है, देव रहते हैं, एक्चुअली मेरा जो दिन है थोड़ा सा यूनिक इसलिए भी बन जाता है ना कभी कभी, क्योंकि देव का जो शिफ्ट्स रहते हैं उनके रोस्टर्स रहते हैं, मतलब कभी वो मॉर्निंग जा रहे हैं, कभी नाइट जा रहे हैं, तो इसलिए ना कभी ऐसा नहीं होता है कि बोरिंग लग रहा है, सेम वही रूटीन नहीं, हम लोग ना अलग अलग रहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी सुबह जल्दी उठ गए, कभी सुबह लेट उठ रहे हैं, तो इस तरीके का चलता है। तो मतलब अच्छा है, एक्साइटेड मतलब एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाँ, मैं अपने आगे के व्लॉग्स में भी काफ़ी कुछ शेयर करूंगी, घर मेरा बदल गया था तो प्रॉपर होम टूर भी दूंगी, मैंने अपने इस घर को काफ़ी अच्छे से सजाया, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत लग्जूरियस सामान से सजाया, नहीं, मुझे अपने घर को ना DIY से सजाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज ना आइसक्रीम की स्टिक्स मंगवाई है, और मैंने एक्चुअली प्लेन मंगवाई थी, बट देव ना कलरफुल वाली भी ले आए, और मुझे देखकर इतना अच्छा लगा,
कि उसको उससे ना मैं और भी कुछ अच्छा सा कर सकती हूँ। दिवाली आ रही है, मैंने बचपन से देखा है दिवाली में ना हमारे घर में लोग बहुत डेकोरेशन करते हैं, ऐसा लगता है कि एकदम जगमग जगमग हो जाता है घर पूरा इतना, मतलब बचपन से मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे सारी फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल मेरा दिवाली रहता है। आप इन्जॉय कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ना हर चीज़ इन्जॉय कर सकती हूँ अगर मैं एक अपने कंफर्ट जोन में हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकती। अगर मेरे कंफर्ट जोन से मैं बाहर चली गई, मतलब कंफर्ट कंफर्ट जोन का मतलब ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्या हाँ वैसे कंफर्ट जोन की बात नहीं कर रही, कंफर्टेबल, जैसे कि मेरे कपड़े कंफर्टेबल हैं, मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरे आसपास के लोग भी ऐसे नहीं हैं जो हैं ये क्या पहन रही है इसने, हैं ये क्यों पहन लिया इसने, हैं ये कैसे लग रही है, तो ये वाले कंफर्ट जोन की बात कर रही हूँ मैं। अगर ऐसा कंफर्ट जोन मुझे मिल जाता है ना, तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और फिर तो मुझे ये भी नहीं लगता कि सामने वाला आसपास वाले कौन है, मेरे जान पहचान वाले हैं कि नहीं, बस मुझे मेरा ना सहपाठी मिल जाना चाहिए। मतलब सहपाठी का तो मतलब कुछ और होता है ना, सहपाठी का मतलब क्या होता है, सहपाठी का मतलब तो साथ में पढ़ने वाला होता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी कंपनी अच्छी होनी चाहिए बेसिकली, मेरी कंपनी अगर अच्छी है मतलब फ़न करने वाली, तो मैं बहुत फ़न करती हूँ। बाकी मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं, मैं एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, एंड पीपल्स लाइक अभी आपसे मतलब है तो यू नो बहुत ही एकदम प्यार अटेंशन का है ना शावर दे देंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू माई प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू नीड्स, उनका ना जो शावर है कभी कम हो जाएगा, कभी टप टप हो जाएगा, कभी थोड़ा तेज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना पता है मुझे बॉदर करती हैं। मेरे साथ ये है कि मैं किसी को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ तो मैं बहुत दूँगी, तो मैं हमेशा सेम रहूँगी, मैं ना फ्लक्चुएट मूड वाली नहीं, मैं मूड स्विंग्स है लेकिन किसी को इम्पोर्टेंस देने में मूड स्विंग्स नहीं रहते मेरे, और ये चीज़ क्या करती है, मुझे बॉदर करती है। तो मैं थोड़े से लोगों से ना कम रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरा सर्कल बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा है, और उसी में ना मैं बहुत बहुत खुश रहती हूँ। और अगर जस्ट मेरा मूड है मुझे आज खुश रहना है तो मैं वैसे ही खुश रह लेती हूँ। चलिए तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इतने सारे भाषण के बाद में, तो उसी एंड नेक्स्ट वीडियो पर, पहले मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।